अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी पुलिस प्रशासन भी जागता है और आनन-फानन में कार्यवाही का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस समय देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बीते शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। घटना के बाद से काफी हंगामा मचा हुआ है। छात्र कोचिंग सेंटरों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं। वही घटना के बाद से आनन-फानन में कई कोचिंग सेंटरों पर कार्यवाही भी की गई। प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति तक के दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर्स में ताला लगा दिया गया है। ये कार्यवाही केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR के नोएडा में संयुक्त टीम बनाकर कोचिंग सेंटरों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सेक्टर 62 में IAS, PCS और IIT के कई कोचिंग सेंटर हैं। ऐसे में टीमें यहां चेकिंग कर सुरक्षा के इंतजाम को देख रही हैं। हालांकि यहां भी नियमों को ताक कर रखकर बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। मंगलवार को नोएडा में बिना मानक के संचालित हो रहे 4 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। नोएडा में कुल रजिस्टर्ड 49 कोचिंग सेंटर है जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों की संख्या में अवैध कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। दिल्ली में हुए हादसों के बाद जिस टीम को इन कोचिंग सेंटरों पर चेकिंग की जिम्मेदारी दी गई है उसमें फायर ब्रिगेड के CFO, DIOS, सिटी मजिस्ट्रेट और नोएडा प्रतिकारण के कर्मचारी शामिल है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को LDA द्वारा जांच कर सील कर दिया गया। हजरतगंज में 40 से ज्यादा ऐसे कोचिंग सेंटर जो अवैध है। जिस कोचिंग सेंटर को आज सील किया गया उसके कर्मचारियों ने बताया कि यह केवल कम्युनिकेशन का ऑफिस है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश के अधिकारियों को ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार सुबह से इंदौर जिले से जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों की जाँच पड़ताल की। इस दौरान कोचिंग संस्थानों में कई तरह की लापरवाही देखने को मिली। टीम ने इंदौर के कल्पवृक्ष और रेजोनेंस कोचिंग सेंटर की जाँच की। कल्पवृक्ष कोचिंग संस्थान में तो सब कुछ ठीक ठाक पाया गया लेकिन रेजोनेंस में काफी कमियां पाई गई। ये कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहा था। टीम ने इसकी जानकारी कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर प्रशासनिक अमले के साथ कोचिंग हब क्षेत्र गोपालपुरा पहुंची और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जाँच की। इस दौरान बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कई के पास फायर NOC नहीं थी। बिल्डिंग निर्माण की अनुमति और बकाया UT टैक्स जैसी खामियां भी निकलकर सामने आई। मेयर सौम्या गुर्जर ने अलग अलग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट बाहर निकलने के रास्ते, पार्किंग और स्टूडेंट्स बैठाने की क्षमता को चेक करके खमियों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।